नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। सीनी फाउंडेशन और द सॉल्टी काठमांडू द्वारा दिल्ली में नेहरू प्लेस के एरोज होटल में एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें कई दिग्गज शामिल हुए। बता दें कि नेपाल के काठमांडू में 10 दिवसीय भारतीय भोजन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सीडी फाउंडेशन और द सॉल्टी काठमांडू द्वारा काठमांडू में 15 जुलाई से शुरू होकर 24 जुलाई 2022 तक चलने वाले 10 दिनों के लिए भागीदारों को पेश करने के लिए नई दिल्ली के इरोज होटल में प्रेस मीट आयोजित की गई थी। इस उत्सव में ट्राइडेंट हैदराबाद इंडिया के 2 शेफ, भारत के फैशन डिजाइनर व व्यापारी सीडी फाउंडेशन टीम और इंडियन पार्टनर्स के साथ इस भारतीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा होंगे। इस कार्यक्रम का मुख्य मकसद व्यापार और संस्कृति सहयोग और दोनों पक्षों के भागीदारों के लिए दरवाजे खोलना है। इस उत्सव में भारतीय साझेदार ट्राइडेंट हैदराबाद, द सॉल्टी काठमांडू, यूनाइटेड सिख, सीताराम भरतिया अस्पताल, मास्टर स्ट्रॉक सैलून और एकेडमी, आर्किट्यूड, डीएन इंटरनेशनल, एयर कम्युनिकेशंस और माई तीर्थ इंडिया है। सीडी फाउंडेशन की निदेशक चारू दास ने इस प्रेस मीट में कहा कि हम इस फूड फेस्टिवल के लिए सॉल्टी काठमांडू के साथ साझेदारी कर रहे हैं और उत्सव व्यापार और खाद्य प्रचार के इस मिश्रण में नेपाल को भारत का स्वाद देने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर अमरेंद्र खटुआ ने उन अवसरों के बारे में बात की जो दोनों देशों के पास हैं और पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने राजस्व के कुछ आशाजनक आंकड़े भी साझा किए हैं। साथ ही रश्मि सचदेवा, जो कि सीडी फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि सीडी फाउंडेशन का चेहरा बनकर वे खुद को सम्मानित महसूस कर रही हैं और उन्होंने सीडी फाउंडेशन के काम और पहल के बारे में भी बात की। वहीं वीरेंद्र वर्मा, जो कि मास्टर स्ट्रोक एकेडमी के निदेशक हैं, उन्होंने नेपाल में कौशल के अवसरों के बारे में बताया। नेहा, जो सीताराम भारतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान से हैं, उन्होंने अच्छी चिकित्सा पद्धति और नैतिकता के महत्व के बारे में बताया है। इस समय हम दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली में यहाँ पर सीडी फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ही हरियाली है यहाँ पर ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और पीछे की तरफ खाने का पूरा प्रबंध किया गया है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल के काठमांडू में होने वाले फूड फेस्टिवल जो 15 जुलाई से और 24 जुलाई तक चलेगा, उसमें दोनों देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो खाने पीने के मसाले हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के, भारत की सभ्यता संस्कृति को लेकर के दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ बने, इसलिए यहाँ पर एक पार्टी का आयोजन किया गया, एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है सीडी फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें आने वाले समय में लगातार जो है भारत की तरफ से वहाँ लोग जाएंगे सीडी फाउंडेशन की तरफ से, और वहाँ भारत के मसाले और भारत के खाने पीने की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को लेकर के और देश की संस्कृति को लेकर के दोनों देशों के बीच में बात होगी, और भारत का जो नेपाल में जाने के लिए जो लोग हैं, किस तरह से जाते हैं, किस तरह से चीजें हैं, वो सारी चीजें वहां पर रखी जाएंगे। दिल्ली से कपिल चौधरी, खबर टुडे न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहें खबर टुडे न्यूज के साथ।